अब हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले बस एक दो छोटी छोटी बातें मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ऑनलाइन में क्या दिक्कत रहती बच्चों को और उन दिक्कतों से कैसे अपने आप को पार पाना चाहिए। देखिए, जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं मेरे साथ, लाइव पढ़ रहे हैं, तब तभी की तभी क्लास नोट्स मत तैयार करिए। जब मैं पढ़ा रहा हूं ठीक उस समय आप क्लास नोट्स तैयार मत करिए, वो गलत हैबिट है। मैं जब पढ़ाने लग रहा हूं तो आप एक रफ कॉपी रखिए, रफ कॉपी रखिए और एक पेन रखिए, और जो चीज मैं करा रहा हूं उसको रफ कॉपी में खुद करने का प्रयास करिए। क्योंकि जब भी मैं कोई चीज आपको बताऊंगा तो उसे मैं काफी टाइम आपको करने को देता हूं, फिर मैं खुद कराता हूं मेरे बच्चों। हाँ, तो जो भी चीज मैं आपको करने को दे रहा हूं खुद से ट्राई करिए, रफ कॉपी में काम करिए, गलत सलाह जो दिल आ रहा करिए तो सही, यानी प्रयास करिए, जितना रेगुलर एफर्ट आप मार सकते हैं करिए। रेगुलर एफर्ट होने बड़े जरूरी है मेरे बच्चे। क्लास नोट्स आपको बनाने हैं तो जब आपकी क्लास कंप्लीट हो जाए, जैसे अभी मान लीजिए मेरी क्लास 8 से 9:15 आपकी क्लास चल रही है, जिस समय क्लास कंप्लीट हो जाएगी और आप इस लाइव क्लास में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, आपने बहुत सारी चीजें समझ ली होंगी, बहुत सारी चीजें समझ नहीं आई होंगी, बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने पूछे उनमें आपने कुछ का आंसर दिया होगा, बहुतों का नहीं दिया होगा, या बहुतों का दिया होगा कुछ का नहीं दिया होगा, ऐसी संभावनाएं रही होंगी। तो जैसे ही क्लास कंप्लीट हो जाती है उसके बाद फिर से इस क्लास को उठाइए, पूरे दिन में जब भी आपके पास समय हो उस समय आपके पास लाइव हटके रिकॉर्डेड फॉर्म में हो जाएगी। तब आपको अगर अच्छे से समझ में आया तो 2x की स्पीड पे इस वीडियो को देख लीजिए, कम समझ में आया तो सिंगल x की स्पीड पे देख लीजिए, और वहां आप इसके फिर क्लास नोट्स तैयार करने स्टार्ट करिए। यानी साथ साथ क्लास नोट्स पर तैयार करिए, ना आप क्वेश्चन नोट डाउन करिए ना कुछ, सिंपल कोशिश करिए साथ साथ जब आप लाइव पढ़ रहे हैं तो जितना संभव हो सके, जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ जाना और सॉल्यूशन खुद से करने की कोशिश करनी। समझने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि बहुत सारा प्रयास सवाल के सॉल्यूशन की तरफ आप कर जाएं और आखिरी में आके उसको ब्रश अप मैं कर जाऊं। ये समझने का आसान तरीका और अच्छा तरीका है। अगर आप सवाल को करने का प्रयास ही नहीं करेंगे और ये उम्मीद रखेंगे कि मैं ही सवाल को समझूंगा, समझने का अच्छा तरीका नहीं है। दूसरी, जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है तो उसको मत छोड़िए, उसको मिस मत करिए, 100% कंसंट्रेशन के साथ उस पर काम करिए। दूसरी